जी हाँ, खुल गया है आपके अपने चिड़ावा शहर में ग्रोसरी फॉर यू सुपरमार्केट। फ्री होम डिलीवरी के साथ एक ही छत के नीचे जरूरतमंद सामान उपलब्ध, विशेष ऑफर और विशेष छूट के साथ। झुंझुनू जिले में मैंने 9 तारीख को रात्रि में पदभार ग्रहण किया था। कल ईद का एक महत्वपूर्ण त्यौहार था और ईद पर भी सारी व्यवस्थाएं चार चौबंद रही। शांतिपूर्ण तरीके से सारा त्यौहार मनाया गया पूरे जिले भर में। उसके उपरांत एक VVIP विजिट भी था जो कि जिले में था लगातार जारी, वो भी शांतिपूर्वक जो है सम्पन्न हुआ। आज सवेरे मेरे द्वारा सभी अधिकारियों की, व्रताधिकारियों की एक बैठक ली गई जिसमें सभी से रिव्यू लिया गया, क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, अपराध का क्या ट्रेंड रहा है पिछले कुछ समय में और आने वाले समय में बेहतर तरीके से किस प्रकार से हम अपराधों पर होने से पहले रोकथाम कर सकते हैं और एक बेहतरीन प्रोएक्टिव पुलिसिंग झुंझुनू वासियों को हम दे सकें, ये हमारा उद्देश्य आने वाले समय में रहेगा। क्या मीटिंग में क्या सामने आया, क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटजी रही? मीटिंग में विस्तृत रूप से प्रत्येक सर्कल वाइज चर्चा की गई थी। अपराध के जो ट्रेंड्स अभी तक के रहे हैं, क्या किस प्रकार के अपराध साधारणतया प्रत्येक सर्कल में घटित होते हैं, उनका क्या ट्रेंड्स हैं, कौन कौन अपराधी हैं, कौन कौन अपराधी गैंग्स हैं, उनके बारे में एक विस्तृत चर्चा हुई और उनको कैसे प्रोएक्टिव तरीके से और कोर्ट में जो मुकदमे हमारे ऑलरेडी दर्ज हैं उनको समय पर उनका निस्तारण और जो भी परिवादी हैं उनको तुरंत न्याय मिल सके और जो पेंडिंग फाइलें हैं, पेंडिंग तफ्तीशें हैं, उनका जल्दी निस्तारण हो सके, इसके बारे में जो एक विस्तृत चर्चा हुई थी और डायरेक्शंस जो थे मीटिंग में सभी वृत्ताधिकारियों को मेरे द्वारा दिए गए। इसके अलावा जैसा कि मुझे बताया गया है, झुंझुनू जिला जो है वो पूरे राजस्थान में CCTNS में काफ़ी अच्छे जो है पद पर रहा है, अच्छे स्थान पर रहा है। उस चीज़ को बरकरार रखने का प्रयास जो है हमारे द्वारा लगातार किया जाएगा क्योंकि CCTNS अपने आप में राज्य सरकार की और पुलिस मुख्यालय की एक बड़ी अच्छी स्कीम है और संपूर्ण पुलिस कार्रवाई को, संपूर्ण पुलिस थाने की प्रणाली को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने का एक जो है वो प्रोजेक्ट है, उसमें बेहतरीन कार्य करने का हम लोग आने वाले समय में प्रयास करेंगे। ऑलरेडी झुंझुनू जिला जो है वो उसमें काफ़ी अच्छे स्थान पर है, लगातार इस स्थान को हम बरकरार रखने की कोशिश करेंगे कि उसमें पूरे राज्य भर में नंबर वन रहें। हरियाणा दूसरे राज्य की सीमा होना और वो भी हरियाणा राज्य की सीमा होना, इसके अलावा जो चूरू में राजगढ़ क्षेत्र है अपराध की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है, अंतर जिला सीमा है जो चूरू से लगती हुई है, आपराधिक गैंग्स और विभिन्न प्रकार के अपराधियों की आमद रफत होना यहाँ पर लाजमी है, तो इन अपराधियों पर और आपराधिक गैंग्स पर लगाम लगाने के लिए इनकी जो है हम इन्हें सर्वप्रथम तो चिन्हित कर रहे हैं, इनकी एक सूची हम हमारे द्वारा बनाई जा रही है और किस प्रकार से हम इनको बेहतर तरीके से पकड़ने का कार्य हो, चाहे प्रिवेंटिव पुलिसिंग का काम हो, चाहे प्रोएक्टिव पुलिसिंग का काम हो, वो हमें एक टीम भावना से जो है सभी लोग साथ मिलकर करेंगे। इसके अलावा हाल ही में जो एक नया ट्रेंड उभर कर आया है राजस्थान भर में और राजस्थान के बाहर भी एक जो ट्रेंड है कि जो बड़े व्यापारी हैं उन्हें फोन पर एक्सटॉर्शन या रंगदारी के तहत धमकी देना और फिर पैसे वसूल करना, इस पर भी हमारी लगातार नजर रहेगी और हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस प्रकार की कोई भी घटना झुंझुनू जिले में ना हो। झुंझुनू पुलिस ने सबसे ज्यादा लिया है और यहाँ अगर कमांड के तहत 500 से ज्यादा कैमरे लगने की कारण CCTV को लेकर बड़ी सफलता मिली है, तो अभय कमांड का जो काम है उसको हमको आप गति देंगे, बीच में ये काम थोड़ा सा धीरे हो गया। आपकी बात सही है, CCTV का जो महत्व है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी भी घटनाक्रम में CCTV जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आप सभी के माध्यम से मैं जनसाधारण को, व्यापारीगण को, व्यापार मंडलों को ये मेरी तरफ से अपील भी करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा CCTV कैमराज जो हैं वो इंस्टॉल करें। CCTV कैमरा अपने आप में एक जो है पुलिस जवान की तरह है जो कि कभी सोता नहीं है, 24 घंटे नौकरी करता है और कभी झूठ नहीं बोलेगा। रंगदारी का मामला बता रहे थे आप। CCTV जो है वो निश्चित तौर पर अपराधों पर रोकथाम के लिए तथा यदि कहीं कोई अपराध घटित होता है तो उसके खुलासे में एक महत्वपूर्ण जो है वो कुंजी रहता है और उसकी मदद से कई सारे अपराध जो है पूर्व में भी खुले हैं और कई सारे अपराध हैं जो होने से रह जाते हैं।
इसलिए जैसा कि आपने बताया कि जो सीसीटीवी इंस्टॉल करने की जो हवाई कमांड सेंटर्स का फर्दर जो एक्सपेंशन है उसकी एक रिव्यू हम एक बार लेंगे, कितने कैमरे अभी तक लगे हुए हैं, क्या और प्रक्रिया में है। और निश्चित तौर पर राज्य सरकार द्वारा ये टॉप प्रायोरिटी का एक प्रोजेक्ट है और कोशिश हम करेंगे कि आपस में समन्वय बैठा करके जितने जो प्रोजेक्ट सीसीटीवी फुटेज अभी बाकी लगने बाकी हैं उनको समय रहते पूरा करवाए। रंगदारी का आप बता रहे थे, रंगदारी का मामला सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ, खासतौर पर क्रिकेट का सट्टा है, इसको लेकर आए दिन कभी कभी घटना होती रहती है। पुलिस ने पिछले काफी लंबे समय से कोई कार्रवाई नहीं की है। नवलगढ़ और चिड़ावा सेंटर है, उससे लेकर लालिसपुर तक भी धमकी मिल रही है। देखिए, जैसा आपने बताया, रंगदारी निश्चित तौर पर राजस्थान में या राजस्थान से बाहर भी, विशेषकर युवक जो आजकल नए हैं वो पुरानी गैंग्स के साथ में जुड़ रहे हैं और इस तरह के अपराध में संलिप्त हो रहे हैं, और इस तरह के अपराधों का अन्य अपराधों से कहीं ना कहीं एक लिंकेज जो है वो पूर्व में भी स्थापित हुआ है। और यदि इस प्रकार के अपराध कहीं पर हो रहे हैं, चाहे वो जुआ सट्टा हो, चाहे वो क्रिकेट बुकी हो, इन पर भी लगातार जो है पुलिस द्वारा निगरानी रखी जाएगी। आने वाले समय में इस पर प्रभावी कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी और रंगदारी या एक्सटॉर्शन संबंधी जो भी गैंग्स हैं, जो भी अपराधी हैं, उन पर विशेष नजर जो है हमारी रहेगी। जहां तक सट्टा नवलगढ़ चिड़ावा से हो रहा पूरे सेखावटी में, और पुलिस पिछले काफी लंबे समय पिछले दो साल से कोई कार्रवाई तक नहीं हुई है, तो क्या मानते हैं कहीं पुलिस की और क्या एक्शन प्लान रहेगा उसके लिए? देखिए, एक्शन प्लान फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम निश्चित तौर पे टारगेटेड समय में उसका निस्तारण करने का प्रयास है। सर, युवाओं में एक आइडल के रूप में जाने जाते हो, कोई प्रयास किए जाएंगे कि युवाओं को एक पॉजिटिव ट्रैक पे लाया जाए? निश्चित तौर पे ये भी मैं मानता हूँ कि एक पुलिस का दायित्व है कि जो आज के इस समय की हमारी देश की पूंजी है, विशेषकर युवा वर्ग, वो कहीं ना कहीं कम समय में ज्यादा पाने की इच्छा में कुछ ना कुछ जो है गलत रास्ता अपना लेते हैं। मेरी आप सभी मीडिया बंधुओं के मार्फत भी युवाओं से विशेषकर ये अपील है कि मेहनत और परिश्रम से जो आप जीवन में पाना चाहते हैं, मेहनत और परिश्रम के रास्ते से पाएं, ना कि अपराध के रास्ते से। और आने वाले समय में मेरे स्तर पर भी और हमारे सभी अधिकारियों के स्तर पर युवाओं से, चाहे समाज का अन्य भी कोई वर्ग हो, महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बुजुर्ग हैं, आमजन हैं, मीडिया बंधु हैं, या कोई भी वर्ग, सभी से एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक सामंजस्य, एक डायलॉग, एक डिस्कशन सभी के साथ किया जाएगा, ताकि हमें भी उनकी समस्याओं से रूबरू होने का मौका मिले और उनका समय रहते उनका छुटकारा कर सके।